अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ईद के हवाले से आज मैं आपके लिए फिर एक ट्रेंडिंग फ़ोटो एडिटिंग लाया हूँ। तो आपने ये वाली फ़ोटो अक्सर देखी होगी, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो ये वाली फ़ोटो आपने बनाने कैसी हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है बीइंग चैट विद GPT। कुछ इस तरह ऐप का इंटरफेस जो होगा इसको कर लेना है आपने इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपल इसे ओपन करना है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट बीइंग अकाउंट की आईडी लॉगिन कर लेनी है। और आईडी बनानी कैसे है उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आईडी लॉगिन करने के बाद सिंपल आपने इमेज क्रिएटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इमेज क्रिएटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, यहाँ पर आपने लिखना होता है प्रॉम्प्ट, यानी कि टेक्स्ट लिखना होता है। जैसा आप टेक्स्ट लिखेंगे वैसे ही ये इमेज जनरेट होगी। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप इसे सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इजीली कॉपी कर सकते हैं। ये वाला प्रॉम्प्ट लिखने के बाद सिंपल आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपकी ये वाली AI इमेज जनरेट हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में और फुल HD। तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी AI इमेज है ये डिपेंड करती है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। ये देखें कितनी प्यारी उसने AI इमेज जनरेट करके दी है, ये चेक करें, ये वाले चेक करें, ये चेक करें। तो यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ी सी चेंजिंग और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दी है थोड़ी सी चेंजिंग, उसके बाद सिंपल मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी ये वाली AI इमेज भी जनरेट हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये देखें गाइस कितनी कमाल और प्यारी उसने AI इमेज जनरेट करके दी है, बहुत ही प्यारी उसने AI इमेज जनरेट करके दी है। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं जस्ट आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है, और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।